लिधोरा नगर में गुप्त नवरात्रि के अवसर पर देवी जी मंदिर प्रांगण में चल रहे पार्थिव शिवलिंग निर्माण के आज अंतिम दिन पूर्णाहुति के साथ नगर का विशाल भंडारा संपन्न हुआ, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। देश में फैली कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से मुक्त होने के लिए गुप्त नवरात्रि के अवसर पर नगर में श्री 108 श्री देवी जी मंदिर के प्रांगण में 125 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं दुर्गा सप्तशती पाठ एवं महामृत्युंजय जाप पंडित उत्कृष्ट आचार्य पंडित विवेक पुरोहित आशीष महाराज के द्वारा विधि विधान से किया गया, जो निरंतर जारी रहा। मंदिर पुजारी पंडित श्री उमेश बादल ने बताया कि देवी जी मंदिर में गुप्त नवरात्रि के 9 दिन सुबह से ही दुर्गा सप्तशती एवं महामृत्युंजय पाठ निरंतर जारी रहा। आज अंतिम दिन मंदिर प्रांगण में शिवलिंग निर्माण श्रद्धालुओं द्वारा किया गया, जिसका शाम के समय आरती और शिवलिंग निर्माण को विधि विधान से पूजा अर्चना कर बाहर से आए विद्वान पंडितों द्वारा किया गया। मंदिर में चल रहे आयोजन में नगरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें इस आयोजन में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, सभी का विशेष सहयोग रहा। लिधोरा से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। इस आयोजन में 9 दिन हो गए हैं और शंकर जी की स्थापना हुई, पार्थिव लिंग बनाए गए और इसमें पूरे जन समारोह पूरे गांव का सहयोग है और नगर भोज किया गया और बहुत उत्साह के लोग सभी लोग यहां प्रसाद पाने के लिए आए। जी आयोजन हुआ है इसमें भंडारे में कितने लोग शामिल हुए हैं और कहां कहां से आए हैं? भंडारे में शामिल हुए लोगों की गणना नहीं की जा सकती है। सुबह 11 बजे से अनवरत भंडारा चल रहा है, उसमें जो है माताएं बहनें नगर के बच्चे सभी पूरे गांव की कन्याएं पूरे गांव का नगर भोज है, सभी लोग आ रहे हैं और सभी लोग भंडारा पा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ के जो कमेटी के कार्यकर्ता है, इनमें संगठन और समर्पण की ऐसी भावना है जो आसपास के क्षेत्र में हमें कहीं देखने को नहीं मिली और हम तो इन लोगों का बहुत बहुत इन लोगों को धन्यवाद देते हैं। जी आयोजन हुआ है नवदुर्गा गुप्त महोत्सव का, इसमें आज आपका भंडारा हुआ है, उसमें किस प्रकार का की व्यवस्था है आपके यहाँ? गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व पर हम लोगों ने यहाँ 9 दिन महादेव की स्थापना की, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण किए 125 लाख लगभग, और हम लोगों ने कल हम लोगों की यहाँ पूर्णाहुति हो गई थी 125 लाख शिवलिंग की। आज हम लोग पूरे नगर का नगर भोज का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के सभी लोग आज आकर सभी ने प्रसाद पाया। बहुत ही गांव का माहौल सौहार्दपूर्ण रहा, बहुत अच्छा। महाराज जी, ये आपके यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है शिवलिंग निर्माण का, ये कब से हुआ था और कब तक चला है? ये 2 फरवरी से गुप्त नवरात्रि की प्रतिपदा जो होती है तिथि उससे हुआ था। 9 दिवसीय इसमें शिवार्चन महामृत्युंजय जप नवचंडी जनकल्याण हेतु जे नगरवासियों को, जैसे अभी महामारी चल रही है कोरोना काल की, इसको मिटाने के लिए किसी भी प्रकार हमारे गांव पर के मनुष्यों पर हमारे गांव के जो भी निवासी हैं उन पर किसी भी प्रकार का कोई रोग व्याधि का कष्ट ना आए, इसकी प्रकार की भोले बाबा भावई मेट सकें हैं त्रिपुरारी जब कहते हैं तुलसीदास जी, तो इसी प्रकार को भोले बाबा को मानते हुए हमने इस कष्ट को निवृत्ति के लिए आज पूर्णाहुति दिवस पूर्णाहुति करने के बाद में नगर का विशाल भंडारा पूरे नगर का सुबह 11 बजे से अभी तक बराबर चल रहा है। भोले बाबा की ऐसी कृपा है कि सभी इस आयोजन में एकत्रित होकर नगरवासियों ने ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सहयोग किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।